आज के प्रसंग में विवेकानंद का कैसा निर्मोही निस्वार्थ मन था, उसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखेंगे। विवेकानंद चेन्नई में थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग स्वामी जी को मिलने के लिए आए। एक श्रेष्ठी ने एक गोल्डन वॉच स्वामी जी को दे करके कहा कि स्वामी जी इसको अपने पास रखना, ये बहुत महंगी घड़ी है। स्वामी जी मुस्कुरा दिए। उस धनाढ्य को क्या मालूम था कि स्वामी जी तो किसी भी कीमती वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझते हैं, उनकी आवश्यकता समाज की पीड़ा यही विषय रहता है, समाज के संस्कार कैसे अच्छे हो सकते हैं। थोड़ी देर के बाद एक युवा प्रोफेसर तीर्थराम उनसे मिलने के लिए आया। स्वामी जी ने वो घड़ी निकाल करके उस युवा प्रोफेसर को दी और कहा कि तुम समय के पालन के लिए तुम्हें आवश्यक है ये घड़ी, इसको अपने पास रखो। और सहज रूप से स्वामी जी ने वो घड़ी उस युवा प्रोफेसर को दे दी और उसको नया नाम भी दे दिया, तीर्थ राम को राम तीर्थ बना दिया। स्वामी जी ने कहा कि आज से तुम तीर्थ राम नहीं राम तीर्थ हुए। यही राम तीर्थ एक बार जापान में गए। जापान में जाने के बाद एकादशी का दिन था, राम तीर्थ जी एकादशी का व्रत रखते थे, उनको अन्न नहीं खाना था। वो स्टेशन पर उतरे, थोड़ा आसपास में घूमे, कहीं पर फल नहीं मिले, थोड़ा सा विचलित हुए। इसी विचार से कहाँ मिलेगा, पार्क के साथ जा रहे थे, कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। स्वामी जी पार्क के अंदर गए तो सभी बच्चे दौड़ के स्वामी जी के पास आ गए। स्वामी जी कहाँ से आए हैं आप? स्वामी जी ने कहा मैं भारत से आया हूँ। तुम एक चीज बताओ, जापान में फल नहीं मिलते हैं क्या? बच्चे कुछ उनके साथ कुछ कानाफूसी कर रहे थे तो एक छोटा बालक दौड़ करके अपने घर गया तेजी से और एक टोकरी में कुछ फल लेकर के आया और ला करके स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी बड़े खुश हुए। स्वामी जी ने कुछ पैसे निकाल करके उस बालक को देना चाहा, बालक ने मना कर दिया, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर तुम फल क्यों लेकर के आए हो? नहीं स्वामी जी मुझे एक वचन दीजिए। अच्छा ठीक है बोलो। उस बालक ने कहा कि अपने देश में जाकर के किसी को ये मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी ने सहज रूप में कहा रामतीर्थ ने कि इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं स्वामी जी, हमारे देश का मान कम हो जाएगा, हमारे देश का मान बढ़ना चाहिए। राम तीर्थ जी ने ये घटना अनेकों स्थानों पर बताई। जब स्वामी विवेकानंद से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने उनको कहा कि देशभक्ति का भाव जापान से सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक सहज भाव से कहा, दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग गुणों के धनी हैं, भारत की अपनी धरोहर है, भारत का अपना एक स्थान है। कवि भारत के ऋषि मुनि, भारत के बाल ऋषि, भारत के गुरुकुल के विद्यार्थी, ये भी इसी प्रकार सहज रूप से देशभक्त होते थे। आज गुलामी के कारण से हमारे मनोभाव बदल गए हैं। आज अपने देश में भी बालकों को इस प्रकार के संस्कार देने की आवश्यकता है। भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद के संस्कारों पर विचारों पर काम करता है और छोटी व्यवस्था में छोटे स्कूल के बालकों को देशभक्ति का भाव सिखाने का प्रयास करता है।
यही स्वामी विवेकानंद की श्रेष्ठता और उनके शिष्य स्वामी रामतीर्थ, उन्होंने जापान के बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ा जाना और उन संस्कारों को भारत में दिया, यही उनकी श्रेष्ठता है। धन्यवाद।